हैप्पी रोज डे। ये है मायरा की, यह मायरा के कबर्ड देखो, मायरा के कबर्ड भी ऐसी हो रखी है। शारदा क्या कर रही है आज? कपड़े ही मार रही है। सेट कर रही है अलमारी, खराब हो गई ना पूरे कपड़े निकाल दिए थे ना उस दिन जल्दबाजी में। ये देखो गाइस मेरे कबर्ड की हालत, जब कहीं जाना होता है ना तो कपड़े सारे बाहर निकाल के ऐसे डाल देते हैं, आके टाइम ही नहीं मिलता। आज शारदा कर रही है, ठीक करती रहती है बेचारी। चलो सेट कर ले फिर दिखाते हैं ना कैसे सेट किया है। ये है मायरा की, यह मायरा के कबर्ड देखो, मायरा के कबर्ड भी ऐसे हो रखी है ना शारदा। तो ये भी करेंगे, इसको भी करना पड़ेगा। मायरा की कबर्ड भी गंदी हो गई है पूरी। सूट सूट सब हैंगर में टांग देना, ठीक है। मायरा क्या कर लिए? दो दिन की बारिश के बाद धूप निकली है आज तो, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, देखो कितनी भीड़ है। और हमारी बालकनी में धूप नहीं है, हमारे कपड़े ऐसे ही सूख रहे हैं। चली गई धूप, मायरा के कपड़े ऐसे ही सूख रहे हैं, धूप ही चली गई। मतलब इस बालकनी में धूप नहीं आती, किचन वाली बालकनी में धूप आती है, पर वहाँ पर कपड़े सुखाने का इतना मतलब जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। सो गए? सो गया मेरा बाबू। मायरा सो गई है, इसको सुला देती हूँ, है ना। दवाई खा लिया तूने? हाँ दवाई तो खा ली, थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ अब मैं ना। मायरा सोई है, मैं भी सो जाती हूँ। हाँ सो जा थोड़ी देर। आप कैसे की टोपी बना रहे हो? बना रही हूँ, अब उसको कर रही हूँ, ऊपर का बना रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, बना लो फिर। मायरा क्या खा लियो? बोलो मैं खिचड़ी खा रहा हूँ अपना। मायरा को खिचड़ी खिला रही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। हे गाइस, हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, मिलते हैं फिर आपसे वहीं पे। अभी शाम हो गई है, वैसे आज बहुत धूप थी और अभी शाम हो गई है। हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल और कैब आने वाली है, कैब आती है या ऑटो आता है देखते हैं। घर आ गए हैं, बस अभी अभी आए और मैंने सैनिटाइज किया।
और मम्मा गए हैं चेंज करने, और मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा मम्मा आप चेंज करके चाय बनाओ फिर चाय पीते हैं। बस हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से हम लोग सीधे घर आ गए। बस उस दिन बर्गर लेकर आई थी तो बहुत टेस्टी लगे थे, तो फिर मैंने बर्गर पैक करवाए। और आज मौसम बहुत अच्छा था, धूप थी, कल भी धूप थी, तो इसलिए मैंने आज अमायरा को नहला दिया। कल नहीं नहलाया था क्योंकि दो तीन दिन से बारिश ही थी ना, तो फिर कल धूप तो थी पर ठंडा ही था मौसम, है ना अमायरा। मैंने सोचा कहीं मौसम ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने आज अमायरा को नहला दिया। और अमायरा खेल रही है, तो या चाय पीते हैं फिर करूँगी मैं चेंज। अमायरा लगाओ, क्या लगा रहे हो आप? हाँ ये देखो अमायरा को, चाय बन गई मम्मी, बन रही है, जल्दी बनाओ यार। आ गए हम घर। हाँ चाय अभी तो कुछ भी नहीं डाला आपने चाय में, टूटने लगे हो। चाय बना रही हूँ, आ जाओ आप सब चाय पीने आ जाओ। क्या कूट रहे हो? इलायची अदरक भी? अच्छा चलो बनाओ। ये शारदा ने अलमीरा सेट की थी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये कपड़े ऐसे सेट किए हैं उसने, और ये नीचे मेरी ज्वेलरी बॉक्स पड़ी है। ठीक लग रहा है ना? सो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, अभी चाय बन रही है। तो मम्मा ने बोला कि अभी चाय बनने में टाइम है, तो तू थोड़ी देर अपना चेंज करना है तो कर ले। मैंने सोचा चेंज क्या करना, तो मैंने सोचा मैं रेस्ट ही कर लेती हूँ इतनी देर, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। अमायरा की अलमीरा अभी सेट नहीं हुई है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था आज शारदा के पास। उसने कहा कि कल करेंगे दीदी। मैंने कहा ठीक है, मेरे को भी हॉस्पिटल जाना था। मैंने कहा ठीक है कल करेंगे। अमायरा की अलमीरा ना दो चार दिन के बाद ना फिर से ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब उसके कपड़े ढूंढने लगते हैं ना तो बस ऐसे ही हो जाता है, बच्चे ख़राब कर देते हैं। कल अमायरा के शूज़ वगैरह अलग रखेंगे, उसके सारा सामान कल सेट करते हैं, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। मनु हाँ जी ले चाय दो। चाय बन गई है फ्रेंड्स, तो मैं चाय पीने लगी हूँ। और आपको पता ही है मेरी चाय तो ब्लैक टी होती है, ब्लैक टी पीती हूँ। चाय पी लो गाइस, सर्दियों में तो बहुत अच्छी लगती है ना चाय। सो मैं चाय पी लेती हूँ। सो गाइस मैंने चेंज कर लिया है और मम्मा बना रहे हैं मटर पुलाव, और अभी वो मटर छील रहे थे तो मैंने भी उनके साथ हेल्प कर दी। सो या गाइस आज से है वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो रहा है आज से, और आज है रोज़ डे। हैप्पी रोज़ डे सबके लिए, जो भी हैं कपल्स हैं, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, जो भी हैं सबके लिए हैप्पी रोज़ डे। और सबका रिलेशन इन फूलों की तरह हमेशा महकता रहे। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है मेरे साथ अभी, तो उनके लिए भी हैप्पी रोज़ डे आतिश। अमायरा का बर्थडे भी आने वाला है, उसका फर्स्ट बर्थडे 21 फेब को है, तो उसका बर्थडे भी आने वाला है। और याना का बर्थडे भी आने वाला है 14 फेब को। सो उसका बर्थडे 14 फेब को है, तो हम लोग वैलेंटाइंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं और उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो दोनों एक साथ हो जाते हैं सेलिब्रेट। अब मेरे हस्बैंड तो साथ में नहीं है, वरना मुझे रियल रोज़ेस मिलते आज,
और या मैं उनके लिए लेकर आती। तो ये तो मेरे पुराने फ्लावर्स थे पड़े हुए घर पे। और अमायरा का फर्स्ट बर्थडे है, तो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ अच्छा सेलिब्रेशन करें, बट अभी कोरोना का आप लोगों को पता है बहुत चल रहा है, तो हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं उसको लेकर, और बाहर नहीं करना चाहते हैं हम लोग। वैसे भी हस्बैंड मेरे यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसका सेलिब्रेशन जो है बर्थडे घर पे ही करेंगे, और मे बी नेक्स्ट ईयर हम लोग उसका ग्रैंड सेलिब्रेशन करें, उसके पापा यहाँ पर होंगे तब। और तब तक ये कोरोना भी जो है यहाँ से चला जाए, मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल जा चुका हो। लेट्स प्रे एंड लेट्स होप कि कोरोना जो है यहाँ से और पूरे वर्ल्ड से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जो रिलेटिव्स भी हैं वो बर्थडे पर कोई भी नहीं आ पाएगा क्योंकि कोरोना है, तो अमायरा की मौसी भी नहीं आ पाएंगी और कोई भी नहीं आ पाएगा, जैसे मामा मामी या फिर मेरे मौसा मौसी वगैरह जो भी हैं, मेरे रिलेटिव कज़न जो भी हैं। क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि अमायरा का फर्स्ट बर्थडे है तो हम सबको मतलब इनवाइट करेंगे, बट अभी कोरोना के कारण तो कोई भी नहीं आ पाएगा, इसलिए हम लोग घर पे ही उसको मतलब केक वगैरह कट करवा देंगे, है ना मायरा, आ जाओ। क्योंकि जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो दूर रहते हैं, अगर वो यहीं पे होते चंडीगढ़ में तो मैं उनको डेफिनेटली बुलाती और वो ज़रूर आते, बट वो लोग बहुत दूर हैं, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, और जो मेरी सिस्टर है वो देहरादून से है, और मतलब दूर दूर से हैं मेरे रिलेटिव्स, तो मतलब मैं उनको इसलिए नहीं बुला रही हूँ क्योंकि मतलब कोरोना का बहुत ज़्यादा, अभी आपको पता है केसेस बहुत ज़्यादा आगे हुए हैं, तो सेफ्टी तो इतनी चाहिए। सो या गाइस, खाना बन चुका है और मैं करने जा रही हूँ डिनर। आज बनाया है मटर पुलाव, क्योंकि हम लोगों को मटर पुलाव खाने का मन कर रहा था। सब्जी रोटी बोल रहे थे मम्मा कि मटर की मायरा कि मटर पुलाव मटर आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ और चपाती बना देती हूँ, बट मैंने बोला कि नहीं आप मटर पुलाव बना दो, क्योंकि सुबह मैंने राइस नहीं खाए थे, सुबह मन नहीं कर रहा था मेरा राइस खाने को, तो मैंने बोला कि मुझे मैक्रोनी बना दो, वो तो हम लोगों ने मैक्रोनी खा ली थी, इसलिए मैंने कहा अभी राइस खा लेते हैं। सो चलो करते हैं डिनर, फिर मिलती हूँ आपसे। और ये अमायरा देखो फ्लावर्स के साथ खेल रही है, खेल नहीं रही है, खा रही है उसको, वो देखो लग जाएगी ना मुंह में फिर पता चलेगा। ये लो, बोलो हैप्पी रोज डे, बोल दो, यहाँ देखो हैप्पी रोज डे, जैसे आप हो ना छोटे से रोज, वैसे ये रोज भी है ना अमायरा के जैसे। क्या कर रहे हो आप, ये बाबूराव का स्टाइल है, मार रहे हो मम्मा को, लगी मुझे, मैं रोती हूँ ना तो ये भी रोती है, मारा लगी मुझे, मारा आपने मुझे, थैंक यू। हमारा की कैप कहाँ है, हमारा गंजू पे तेल हो गया, देखो हमारा, चलो डिनर कर लेते हैं। हमारा तो ये नहीं खाएगी, हमारा के लिए बनाई है खिचड़ी, तो हमारा का अभी टाइम भी नहीं हुआ है क्योंकि हमारा ने अभी भी थोड़ी देर पहले दूध पिया है। मैं डिनर कर लेती हूँ, क्या बोल रहे हो अब बोलो हमारा, बोलो ना भैया, क्या है ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, ओयो अच्छा आप खेल लो भाई, मैं जा रही हूँ डिनर करने, आप खेलते रहो ठीक है, हाँ यहाँ बैठ के खेलो, मम्मी नानी आ रहे हैं अंदर से, ये देखो थोड़ा सा मैंने राइस लिया है और दही लिए, ज़्यादा भूख नहीं है मेरे को, मैंने बर्गर खा लिया था ना हॉस्पिटल से आके।
अच्छा बना है, टेस्टी। सो गाइस डिनर कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने फेस भी साफ नहीं किया है, सो मैं जा रही हूँ अभी अपना फेस क्लीन करने, मेकअप रिमूव करने, और फिर उसके बाद अमायरा को खिचड़ी दूंगी। उसके बाद हम लोग स्वेटर बनाएंगे, मैं और मम्मा बैठकर बातें करेंगे जब तक अमायरा सोती नहीं है। तब तक अमायरा क्योंकि सोकर उठ गई है और वो सोएगी अब 2 या 3 बजे, तब तक हम लोग स्वेटर बनाएंगे बैठकर। हाँ जी, आपकी स्वेटर बना रहे हैं ना मायरा, है ना? आपको चाहिए होती है ना बहुत सारे स्वेटर्स, गिल्ली हो जाती हैं जल्दी, है ना मायरा? अमायरा की स्वेटर बना रहे हैं मैं और मम्मी मिलके। हमने पहले बनाई थी 2 स्वेटर सेट इसके लिए, अभी ये ऑरेंज वाला बना रहे हैं, जब बन जाएगा फिर आपको दिखाएंगे, है ना मायरा? और अमायरा यहाँ पे शैतानी कर रही है, शोर कर रही है, बनाने नहीं देती है ये। सो गाइज हम लोग बना रहे थे अमायरा की स्वेटर, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने 2 स्वेटर सेट उसके कंप्लीट किए, तो ऐसे फ्री बैठे रहते तो हमने सोचा कि और बना लेते हैं उसके लिए। तो ये ऑरेंज कलर का धागा मंगवाया था मैंने और उसके लिए स्वेटर बना रहे हैं ये ऑरेंज कलर की। जब ये बन जाएगी फिर आपको दिखाएंगे, अमायरा डाल के दिखाएगी। मम्मी बैक साइड बना रहे हैं, मैं फ्रंट साइड बना रही हूँ ये, और मम्मी टीवी देख रहे हैं, अमायरा खेल रही है। आपका तो बन गया आधा, है ना? हाँ, मेरा थोड़ा सा रह गया। अमायरा आपने क्या रखा है, गैस पे दूध रखा है? अच्छा। सो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी ज़रूर करना वीडियो को। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड नाइट, बाय बाय।